भाईंदर मीरा भाईंदर ने केलेला म्युनिसिपालिटीने केलेला आमच्यावर अन्याय होत आहे तो त्यांनी थांबवावा लगेच, नाहीतर आम्ही निषेध म्हणून आम्ही उपोषण करणार आणि इथे येणाऱ्या सर्व गाड्या बंद करणार. डंपिंग हटाओ यही मांग है, लोगों को जीने दो, नहीं तो कमिश्नर बंगलो बनाओ इधर एक, जितने भी शासन के लोग हैं सबका बंगलो यहाँ पे बना के रखो. आचार संहिता हो या कुछ भी हो लेकिन आंदोलन होगा ये पक्का है, इसके लिए हम लोग तैयार है और शासन भी अभी आंदोलन कैसे झेलेंगे ने उसके लिए तैयार होना जरूरी है. नमस्कार आदाब, मैं अजीम तामोली, आप देख रहे YSR न्यूज. आज हम उत्तन परिसर में मौजूद है डंपिंग ग्राउंड में. आप देख सकते हैं पीछे भीषण आग लगी है. यह आग के कारण स्थानीय यहाँ के रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हर बार यहाँ पर आग लगती है और इस आग के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आपको बता दूं कि इस डंपिंग ग्राउंड में पिछले हफ्ते ही आग लगी थी. इस आग पर काबू पाने के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मुसलसल 3 से 4 घंटे लगातार मेहनत की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आग पर काबू पा लिया गया था. लेकिन आज भी भीषण आग है, लेकिन इस आग पर काबू पाने का प्रयास मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है. फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद है, स्थानीय नगर सेविका मौजूद है. आपको बता दूं कि यहाँ पर स्थानीय जो फादर है, जो क्रिश्चियन समाज के धर्मगुरु है, वो भी मौजूद है. उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया कि अब आंदोलन करना पड़ेगा. इस संदर्भ में हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, साथ ही साथ यहाँ की पूर्व नगर सेविका, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. एवढी आग मी कधीच बघितली नव्हती, पण आज तर भयानकच आग दिसत आहे आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण परिसर तुम्ही आजूबाजूला बघितला तर धुराने भरून गेलेला आहे. लोकांना जणू काही स्लो पॉइझनिंगच, जणू काही स्मोकच्या ह्याच्यामध्ये मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. फायर ब्रिगेडची गाडी आलेली आहे पण ते थांबत नाही आग वगैरे, आणि एवढा धूर खाली पसरत चाललेला आहे की अगदी बघणाऱ्याला वाटेल की नरकच आहे. आणि हे आमचे लोक जवळजवळ 14 वर्ष झाली ह्या ठिकाणी नरकामध्ये आहेत, ज्या ठिकाणी हवेचं नेहमी प्रदूषण चालू आहे. आम्हाला काहीच म्युनिसिपालिटीने किंवा कोणी सुविधा दिलेल्या नाही आहेत, एखादं हॉस्पिटल नाही आहे, काहीच सुविधा नाही आहे त्या ठिकाणी. आणि आमच्या ह्या जमिनीवर, डोंगराच्या माथ्यावर इललिगल हा डंपिंग ग्राउंड आहे, कुठल्या नियमामध्ये कुठल्या कायद्यामध्ये नाही आहे. म्युन्सिपाल्टीला सांगितलेलं होतं कोर्टाने, सुप्रीम कोर्टाने देखील, हायकोर्टाने देखील, की हा डंपिंग ग्राउंड इथे थांबवावा आणि दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करावा, परंतु ते काहीच झालेलं नाही आहे. फक्त आश्वासनं दिली जातात. 70 करोडचा फाईन केली होती कोर्टाने, परंतु ती 20 नंतर मग 5 वर थांबून फक्त त्यांना फाईन झालेली होती, परंतु हा प्रोजेक्ट इथून शिफ्ट करायचा होता, अजूनही केलेला नाही आहे. परंतु त्याचे परिणाम आमच्या लोकांना आतापर्यंत भोगायला लागत आहेत आणि हे स्लो पॉइझनिंग आहे. आम्हाला संपवण्यासाठी हे सर्व म्युन्सिपाल्टी आणि ही जी कंपनी आहे सौराष्ट्र कंपनी, ह्यांचं हे कारस्थान आहे असं मी म्हणेन. आणि हे लोकांच्या हितासाठी बिलकुल चांगलं नाही आहे. तुम्हाला हे, कारण ते कोणत्याही नियमामध्ये बसत नाही. मी जरी कायद्याचा अभ्यास केलेला नसला तरी पण मी एक सामान्य माणूस आहे आणि धर्मगुरू आहे. मला हवं असेल तर मी पाहिजे तेवढे लोक घेऊन तिथे म्युन्सिपाल्टीवर जाऊन मोर्चा काढू शकतो आणि न्याय मागू शकतो. आम्हाला न्याय हवा आहे. हे डंपिंग ग्राउंड इथून हळवायला पाहिजे. पुष्कळ प्रॉमिसेस दिलेले आहेत. गेल्या वर्षी मी स्वतः गेलो होतो त्या ठिकाणी, ढोळे साहेब होते, प्रॉमिस केलेलं आम्हाला मार्च एंडपर्यंत आम्ही 0 गार्बेजसाठी मशीन आणणार, या ठिकाणी काहीच राहणार नाही. परंतु सर्व काही फक्त प्रॉमिसेस आहेत, वचनं आहेत, काहीच होत नाही या ठिकाणी. आणि हा सारासार मी म्हणेन की भाईंदर मीरा भाईंदरने केलेला, म्युन्सिपाल्टीने केलेला आमच्यावर अन्याय होत आहे तो त्यांनी थांबवावा लगेच, नाहीतर आम्ही निषेध म्हणून आम्ही उपोषण करणार आणि इथे येणाऱ्या सर्व गाड्या बंद करणार. अभी तो मुझे कचरे वाली बाई बोलने लगे हैं लोग, क्योंकि हमेशा यहाँ डंपिंग ग्राउंड पे आके खड़ी रह जाती हूँ. यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाओ बोलने के योजना में ये बोल रही थी कि प्रोसेसिंग प्लांट को तेजी से काम करने के लिए लगाओ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. प्रोसेसिंग प्लांट अगर कर रही है तो इतना कचरा कहाँ से आ रहा है, ये मेरा सवाल था हमेशा. कल रात को 12 बजे मैं यहाँ सौराष्ट्र कंपनी में थी. अगर आप लोग ने मेरा लाइव वीडियो देखा होगा, रात को 12 बजे अकेली लेडी आके खड़े हो गई यहाँ पे कि तुम कचरा कहाँ लेके जा रहे हो. मैं आपको यहाँ तक बोलती हूँ कि ये जो प्राइवेट लैंड है किसने दिया है, कलेक्टर लैंड है, प्राइवेट है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर एक लैंड पे ये कचरा जाके जमा हो रहा है. ये लोग यहाँ से निकाल के वहाँ लेके जा रहे, क्यों लेके जा रहे, ये मेरा सवाल है. वहाँ क्यों, ये पहला वाला डंपिंग ग्राउंड ये तो हट नहीं रहा है और एक बना रहे हो. किस तरह की मांग करेंगे प्रशासन? डंपिंग हटाओ
यही मांग है, लोगों को जीने दो, नहीं तो कमिश्नर बंगलो बनाओ इधर एक, जितने भी शासन के लोग हैं सबका बंगलो यहाँ पे बना के रखो। पर्यटक घोषित होने वाला है ना, तो पर्यटक घोषित करो और यहाँ पे बंगलोज बना के रखो, पर्यावरण में रहेंगे लोग सब लोग। क्यों हम लोग मरे, जो भूमि पुत्र है जिनकी जमीनें हैं वो लोग क्यों मरे? मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि जब से ये डंपिंग ग्राउंड चालू हुआ है 2008 से, ये लोगों का तीव्र विरोध होने के बावजूद भी ये चालू है। उसके बाद बहुत बार हम लोगों का मीटिंग हुआ, लेकिन जो भी कमिश्नर आते हैं वो सिर्फ हम लोगों को वादे करते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी खरा नहीं निकलता। जो मेन है वो मिक्स कचरा डालने के वजह से जो हो रहा है, और आपने चालू अभी फेब्रुवरी से ये सिलसिला चालू हुआ है, वो ये जून तक ऐसे ही होने वाला, हर साल का ही है। ये सब होने के बावजूद भी जो उपाय योजना करना चाहिए ये उपाय योजना यहाँ अभी हो नहीं रही है, और इसके कारण अभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और अभी आचार संहिता हो या कुछ भी हो, लेकिन आंदोलन होगा ये पक्का है, इसके लिए हम लोग तैयार है। और शासन भी अभी आंदोलन कैसे झेलेंगे ना, उसके लिए तैयार होना जरूरी है। लगभग 2 बजे आग लगी थी, 7 वाटर टैंकर, 4 टैंकर पुरौटा करना कर, एक पानी का जो ये कर रहा है पुरौटा वो है, और लगभग मैं खुद उसमें से हाजिर है, और मेरे 2 ऑफिसर हाजिर है, करीब 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 35 से 37 कर्मचारी है। हाँ सर, कितने बजे आग लगी थी, क्या लगता है कब तक इस पर काबू पाया जा सकता है? ये 2 घंटा में काबू करने का इरादा है हमारा। ये थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के अधिकारी और यहाँ के स्थानीय रहवासी, जो जानकारी दे रहे थे कि हर बार यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में आग लगती है और इस आग के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यह आग कब बुझेगी यह देखना होगा। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अजीम तांबोली उत्तर।